मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने जो है सातवीं कक्षा से संबंधित वसंत भाग दो से जो है चौथा जो कविता था उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया, और पांचवा पाठ था मिठाई वाला, उसका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी दोनों चैप्टरों का आज हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। कठपुतलियाँ जो चौथा जो कविता था, पांचवा पाठ था मिठाई वाला, इसके जो प्रश्नोत्तर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम कठपुतलिया जो चौथा चैप्टर था उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतलिया ने, आपको पता है, यह एक कवि जो है यहाँ पर कठपुतलियों के माध्यम से जो है वह परतंत्र को जो पसंद नहीं करते हैं, वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से कठपुतलियों के माध्यम से वह एक छोटा सा प्रयास किए हैं। गुस्सा क्यों आया, तो इसका उत्तर है, कठपुतलियों को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो धागे में बंधी हुई पराधीन है, यानी स्वतंत्र नहीं है, और वह स्वतंत्रता की इच्छा रखती हैं, इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा था। तो चलिए अगला प्रश्न है, कठपुतलियों को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी होती हैं, उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है, वह धागे से जो है संचालित होती है इसीलिए। तो चलिए ऐसे इसका उत्तर, चाहे तो आप सरल वाक्यों में अपने जो है अपने खुद के जो हैं उत्तर भी लिख सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। तो आपको पता है वह जो है गुस्सा कर रही थी, वो धागे वाला जो आगे पीछे बांधे हैं, मुझे स्वतंत्र रहना है, ऐसे बातें जो है उसने की थी। दूसरी कठपुतलियाँ भी बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती थी, इसीलिए जो है कठपुतलियों को अच्छी लगी, पहली कठपुतलियों की बात जो है दूसरी कठपुतलियों को अच्छा लगती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ जो विचार हैं उसके अनुसार हमें जो है उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर विचार देखेंगे पहले हम, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्रता होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका सारा जो उत्तर है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उत्तर इस प्रकार है, पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। वो तो स्वतंत्र रहना चाहती है, आगे पीछे जो है उसके धागे हैं,
लेकिन बाद में सोचती है कि हम स्वतंत्र कैसे कैसे होंगे। हम अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है, तथा दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात है। स्वयं जो है छूट जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरों के भी साथ जो है यहाँ पर निभाने की है, उनको स्वतंत्रता करने की है, वो थोड़ा बहुत बहुत बड़ी बात है। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। ठीक है, बाद में वह इस तरह जो है सोचने लगी। चलिए, इस तरह जो है कठपुतलियों के जो प्रश्नोत्तर है हमने आज चर्चा किया, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अपने नोटबुक में जो है लिख कर रखिए। तो चलिए, अब हम जो है मिठाई वाला जो लेखक ने यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की जो अकाल उनके बच्चे दो बच्चे और एक पत्नी को जो खो कर जो है वह प्रतिष्ठित व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों में जो है उनके बच्चों की तरह वहाँ पर वह समझ कर जो है मिठाई वाला, कभी कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला बनकर आता था। तो उसके पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर अब हम देखेंगे। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चे एक चीज से ऊब न जाए इसीलिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था। तो ठीक है, महीनों बाद अलग अलग क्यों बेचता था इसीलिए। ठीक है, बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए तो है, बार बार आएगा तो कोई नहीं पूछेगा। वह जब खिलौने वाले से जो है मुरली वाला का जो बीच में अंतर है 6 महीने का, मुरली वाले से जो मिठाई वाले का अंतर है 8 महीने, तो ठीक है बाद आता था। साथ ही चीजें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो बार बार आने के बाद पैसे नहीं रहेंगे सभी के पास तो वह रोएंगे, तो उसे अच्छा नहीं लगता था, केवल उसे हंसते हुए ही बच्चे अच्छे लगते थे। तो चलिए, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो यहाँ पर हमने 3-4 पॉइंट बना लिए हैं। निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। पहला है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचता था, मधुर कंठ से। ठीक है, मादक, ठीक है, अच्छे। तो दूसरा है, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। ठीक है, कम दाम में। और तीसरा है, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। चौथा है, हर बार नई चीजें लाता था, वह बार बार वही चीजें नहीं लाता था, बहुत दिनों के बाद आता था, अच्छे अच्छे चीजें ही लेकर आता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो, ऐसे विजय बाबू का कहना था। तो यहाँ पर विक्रेता किस प्रकार कहता है, एक विक्रेते के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा ही यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। तो ग्राहक को ऐसा ही लगता है, ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसे ही है, मैंने पूरी 1,000 बनवाई थी तभी जाकर 2 पैसे में मिली है, एक लेंगे तो यह महंगा होगा, ऐसा भी कहता है। ठीक है, इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है,
खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाला जब आता था तो बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती थी? तो उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं ना, आकर उत्साहित होते उठते थे। बच्चों का झुंड, ठीक है, का अलग होना था। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था, चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगते थे। देखिए, जो है वह जो खिलौने वाला हो, मिठाई वाला हो, उसे भी जो है बच्चों को खुश देखना ही वह चाहता था। चलो अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गाकर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसीलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब मुरली वो बेचता था तो मधुर कंठ से वो गा गा कर बताता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो उसे पहले जो खिलौने वाले का जो स्मरण हो आता है। इस तरह इसका उत्तर आपको लिखना है। अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? ये आपको पता है, वह भावुक क्यों हो गया जब रोहिणी या दादी पूछती है तो, और यह व्यवसाय को क्यों चुना उसने, ये सब यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार होगा। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसके इस व्यवसाय को अपनाया। ठीक है, इस तरह जो है उनके बच्चों का जो झांकी है या उनका प्रतिरूप जो है बच्चों में देखता था, इसीलिए यह व्यवसाय को उसने अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो आपको पता है वहां पर जान पहचान हो गई थी, जान पहचानों से वो पैसा नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है, इसीलिए उसने पैसे नहीं लिए। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो यह आपको जो है आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रयास किया हूँ। तो देखिए, चीख के पहले तो यह मर्यादा होता है, जो है वह पति नहीं होता है तो दूसरे पर पुरुष को बात करना यह गुनाह होता है। तो आजकल सभ्य लोग में जो है आप जो ग्राहक के रूप में हैं, वो विक्रेता का रूप में है, तो आपको मोल भाव करना होता है। तो आज के दृष्टि से आगे आकर जो है बात करना है भी, वो भी ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर किस प्रकार है। आज भी कुछ औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ रोहिणी से। वह यहाँ पर जो है सांस्कृतिक
यानी महिलाओं के जो मर्यादा का प्रश्न होने के कारण वह दादी माँ से भी जो मिठाई वाले से बात न करते हुए दादी से बात करती थी ना, बल्कि डैड जो है सीधा मिठाई वाले से, वह स्वतंत्रता को जो है उसका जो है प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आजकल ये सब जो है देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे यह कम होता आ रहा है। ऐसे आपको जो है आप खुद भी जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस तरह आज हमने जो है एक तो कठपुतलियों का प्रश्नोत्तर देखा, उसके साथ साथ मिठाई वालों का भी जो समग्र प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। इस तरह आज हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।